हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। जैसा कि आपको पता है कि हम एवरीडे रोज जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन देते हैं और जनरल अवेयरनेस के भी 25 क्वेश्चन देते हैं। तो आज के 25 क्वेश्चन से हमारे भी तो बाई लैंग्वेज होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानव में जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो पहला अवस्था, पहला स्टेज क्या होता है? तो उसका राइट आंसर है माउथ। सेकेंड क्वेश्चन है, जब रक्त धमनी में मजबूर किया जाता है तो विस्तार की तरह लहर को क्या कहता है? जब हमारे धमनी में रक्त प्रवाह करती है तो वो किस वेव की तरह मूव करती है? तो आंसर होगा बी, पल्स। व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लड मून? ब्लड मून से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर है सी, इट इज टोटल लूनर इक्लिप्स विद डीप रेड ग्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य ग्रह एक का एक ही पैटर्न हर साल 18 साल 11 दिन 8 घंटे में दोहराया जाता है तो इस पैटर्न को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है बी, सरोस साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सॉल्ट व्हेन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर गिव्स एन एसिडिक सॉल्यूशन। उस सॉल्ट का नाम बताइए जब नमक को उसमें घोला जाता है तो। इसका राइट आंसर है अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म बाई ट्रीटिंग क्लोरीन विथ। ब्लीचिंग पाउडर किससे बनाया जाता है? जब क्लोरीन को किस में मिक्स किया जाता है जिससे ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है? इसका राइट आंसर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्लोरीन को मिक्स करिएगा तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आफ्टर वुंड और कट इन बॉडी ब्लड कोगुलेटेड थ्रू। जब हमारे शरीर में कहीं कट जाता है तो किसके थ्रू ब्लड जमना चालू होता है? तो सभी को पता होगा ब्लड प्लेटलेट्स होती है जो हमारे शरीर में ब्लड को रोकने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन सॉल्ट इज यूज एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग ए लार्ज नंबर ऑफ यूजफुल केमिकल इंडस्ट्री। जब नमक को यूज़ किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल की तरफ बट इन इंडस्ट्री में, तब उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू। पौधे में भोजन का परिवहन किसके थ्रू होता है? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन NTPC में, ये रिसेंटली अभी LP में भी आया था और CGL में भी रिपीट हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है भी फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोलर इक्लिप्स? सूर्य ग्रहण क्या होता है? ये क्वेश्चन का आंसर शायद सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि हम लोग जानते हैं कि सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चंद्र ग्रहण क्या होता है? इसका जिस तरह सूर्य ग्रहण होता है ठीक उसके अपोजिट ही चंद्र ग्रहण होता है। मतलब सूरज और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में जब सूरज आ जाता है तो उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। इसका राइट आंसर है बी, व्हेन अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा 2D 288। हम जानते हैं कैल्शियम का जो फॉर्मूला होता है वो 18 होता है, जो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड में 8 और 8 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग आर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड? इनमें से कौन सा है जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है? तो इसका राइट आंसर है डी, बिकॉज कॉपर सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारे इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है। अगर इसको आपके बारे में, इसको अगर जानना है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या है, तो उसके लिए आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पीरियोडिक टेबल के ये कुछ टॉपिक, कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द आयन प्रेजेंट इन सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड। सोडियम ऑक्साइड कंपाउंड में जो आयन प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर है सी, सोडियम आयन और ऑक्साइड आयन्स। नेक्स्ट, विच एनिमल हैज़ 3 chambered हर्ट? कौन सा एनिमल है जिसके 3 hearts होते हैं? तो इसका राइट आंसर है बी, लिज़ार्ड। लिज़ार्ड ऐसा है जिसके हार्ट के 3 chambered होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टीम ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग टेक्स प्लेस। पौधों के तने में श्वसन होता है और सांस किस तरह लेते हैं वो? इसको राइट आंसर है ए, लेंटिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इन बायोलॉजी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। जीव विज्ञान में निम्नलिखित में कौन कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा है? आंसर सी, हम जानते हैं ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोटाइफॉस्फेट।
जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, एडेनिन ग्रुप होते हैं और थायमिन ग्रुप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एयरक्राफ्ट टू विजिट द सोलर सिस्टम। सौरमंडल में पहला एयरक्राफ्ट जाने वाला कौन सा था, उसका नाम बताइए। उसका नाम है प्योनियर 10 एंड प्योनियर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मिशन ऑफ नासा ब्राउट फर्स्ट ह्यूमन टू मून। नासा का वो पहला कौन सा मिशन था जब उसने अपने आदमी को मून पे भेजा था, उसका आंसर है अपोलो प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरल अवेयरनेस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और साइंस के हिसाब से भी। व्हाट इज़ द आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है। तो आयोनिक बॉन्ड तो फॉर्मेशन होता है इफ इट इज़ अ बॉन्ड फॉर्म बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक एटम से दूसरे में, तो यह बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से कौन सा सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन करता है, तो उसका राइट आंसर है सी, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट एंजाइम दैट मिक्स विथ फूड इन द डिजेस्टिव ट्रैक्ट। उस एंजाइम का नाम बताइए जो डिजेस्टिव ट्रैक्ट में जाके फूड के साथ मिक्स हो जाता है। उसका राइट आंसर है सी, अमाइलेज। अमाइलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हर साल पूछा ही जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनिज्म हैव पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइट है, आंसर होगा बी, प्लाज्मोडियम। सो ये आज के हमारे 25 पॉइंट क्वेश्चन थे। अगर आपको हमारा क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मॉर्निंग के समय 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के प्रोवाइड करते हैं और इवनिंग के समय 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है RRB ग्रुप डी NTPC CGL के लिए। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ से ये वीडियो का PDF ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। नाउ सब्सक्राइब इट नाउ।